तो हेलो दोस्तों दोस्तों आने वाले इस ईयर 2022 में आपको बहुत ही धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग डिवाइसेस की लॉन्चेस देखने को मिलने वाली है वीवो की तरफ से। बजट रेंज से डिवाइस से लेके हाई एंडिंग एंड हाई ग्राफिक सपोर्ट फोन्स वगैरह आपको देखने को मिलने वाली है नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे हम लोग देखने वाले कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग डिवाइसेस की लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं हमें नेक्स्ट ईयर एंड क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह होने वाली है उस डिवाइस के। तो चलिए कर दे वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2022 में आपको बहुत ही धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग लॉन्चेस देखने को मिलने वाली है वीवो की तरफ से। एंड दोस्तों एक बात और, यहाँ पे जितना भी डिवाइस है सभी दोस्तों एक से एक बढ़ के। तो दोस्तों बात कर लो 2021 के कुछ लॉन्चेस की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइस निकल के आती है वीवो की तरफ से वो है वीवो T1, जो कि दोस्तों वीवो T1 सीरीज की सबसे बजट रेंज की डिवाइस होने वाली है। एंड बात करूँ इसकी लॉन्चेस की, कब तक ये लॉन्च कर सकता है दोस्तों, अगर आपको ये नेक्स्ट मंथ दिसंबर में अगर ये लॉन्च हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर 2022 के फर्स्ट मंथ में जनवरी में ही आपको ये लॉन्च कंफर्म से देखने को मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों ये तो दोस्तों एक बजट रेंज फ़ोन होने वाली है, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड साथ ही आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं है कि 64 मेगापिक्सल का पूरा कैमरा का सेट होने वाला है या फिर 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा होने वाला है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ कुछ और स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा वो दोस्तों 8GB 128GB एंड सेकेंड दोस्तों आपको 8GB 256GB एंड लास्ट दोस्तों आपको 12GB 256GB एंड साथ ही दोस्तों आपको 4000mAh की बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जर वगैरह देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करो वीवो की तरफ से आने वाली 2022 के नेक्स्ट फ़ोन की, तो वो है दोस्तों वीवो की एक्स सीरीज की एक्स, जिसमें कि दोस्तों आपको 120Hz FHD+ डिस्प्ले एंड साथ ही आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आपको 5x स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलेगी, प्लस 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो प्लस 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस फ़ोन का कैमरा कितना मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे बात कर ले इस फ़ोन की SoC की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 2000 देखने को मिलने वाली है इस डिवाइस में। एंड दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट एंड लास्ट बात कर लूँ कि कब तक लॉन्च कर सकता है इंडिया में, तो दोस्तों ये आपको 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको ये देखने को मिल सकती है इसके लॉन्चेस। नेक्स्ट बात कर लूँ नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइस वो है दोस्तों आपको वीवो Y21A। सैडली से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह इस डिवाइस के रिलेटेड नहीं है, बट दोस्तों अगर आप रूमर्स की मानो तो यहाँ पे आपको ये दोस्तों 5000mAh बैटरी देखने को मिल सकता है इस डिवाइस में एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, इसी तरह के कुछ और स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये डिवाइस आपको एकदम ही स्टार्टिंग रेंज का फ़ोन है, मतलब को जो नया यूज़र्स हैं जो कि दोस्तों कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन पे आ रहे हैं उसके लिए ये दोस्तों एकदम स्टार्टिंग फ़ोन है। तो दोस्तों ऑफकोर्स ये दोस्तों आपको कोई खास स्पेक्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड दोस्तों फिर भी बात कर लो इस फ़ोन की लॉन्चेज की, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 के दिसंबर में ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर ये आपको देखने को नहीं मिला तो दोस्तों 2021 के फर्स्ट क्वार्टर मान लो फर्स्ट मंथ तक ये आपको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग डिवाइस निकल के आती है वीवो की तरफ से वो दोस्तों होने वाली है आपको वीवो V23 Pro। पहले इस अपने सर्टिफिकेशन साइट पे इसका IMEI नंबर स्पॉट कर लिया गया था। अकॉर्डिंग टू टेना दोस्तों यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 2.8 प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड साथ ही आपको FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है इस डिवाइस में। एंड दोस्तों 45000mAh बैटरी एंड दोस्तों 44W का फास्ट चार्जर वगैरह भी देखने को मिलने वाली है हमें इस सीरीज के इस डिवाइस में। जो नेक्स्ट डिवाइस है अपकमिंग वीवो की तरफ से वो है दोस्तों वीवो V21 Pro। दोस्तों वैसे तो वीवो V21 Pro आपको वीवो Y72 5G के साथ ही इसका लॉन्च देखने को मिलने वाली थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों आप आने वाले 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको ये इसका लॉन्च देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे बात कर लो इस फ़ोन की स्पेक्स की, तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो ये प्रीमियम लाइनअप का फ़ोन होने वाली। अब दोस्तों बात करो यहाँ पे
नेक्स्ट अपकमिंग डिवाइस वीवो की तरफ से, वो है दोस्तों आपको वीवो X60T Pro, ऑलरेडी से चाइना में लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कि दोस्तों आपको FHD प्लस डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड 4300 mAh की बैटरी, साथ ही 44 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाली। अब नेक्स्ट बात करें SoC की, तो दोस्तों एज वेल हर बार की तरह दोस्तों जिस तरह से आपको X60T में आपको डायमेंसिटी 1100 देखने को मिला था, सेम दोस्तों इसमें भी आपको डायमेंसिटी 1100 देखने को मिलने वाली है।